नहीं नहीं बातचीत हो चुकी है और जैसा कि अभी माननीय अमित शाह जी ने घोषणा की है उस पर सहमति है। जेडीयू और भाजपा बराबर सीटों पर लड़ेगी और बाकी लोगों की सीटों की संख्या के बारे में अंतिम दौर में बातचीत चल रही है और इसके बाद जो निर्णय होगा जैसा कि उन्होंने बताया 2-3 दिनों के अंदर नंबर ऑफ सीट्स की घोषणा हो जाएगी और एक बार नंबर ऑफ सीट्स की घोषणा हो जाएगी तो कौन सीट किस पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे इसके बारे में आपस में बातचीत करके फैसला हो जाएगा। इन सब चीजों में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप बताइए, आपको बता चुके हैं अभी, उसके बाद फिर उसमें क्या। चलिए धन्यवाद मित्रों, जो चीज आपने बता दिया इसके बाद उसके कोई प्रश्न की आवश्यकता नहीं। चलिए आइए, हम आज प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, जो बात इन्होंने कही वो बात तो है ही, इसके अलावे हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी से बिहार की जो स्थिति है और 23 जिले के 206 प्रखंडों को हम लोगों ने पहले फेज में सूखाग्रस्त घोषित किया इसकी जानकारी दी है और पूरी बात बताई है कि वहां की स्थिति ठीक नहीं है और इलाकों को भी सूखाग्रस्त घोषित करना पड़ सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है जो वहां की स्थिति और विकास के और मुद्दों पर हम लोगों ने बातचीत। स्पेशल स्टेटस पे तो कोई आपने मांग नहीं की? नहीं, बातचीत हो चुकी है और जैसा कि अभी माननीय अमित शाह जी ने घोषणा की है उस पर सहमति है। जेडीयू और भाजपा बराबर सीटों पर लड़ेगी और बाकी लोगों की सीटों की संख्या के बारे में अंतिम दौर में बातचीत चल रही है और इसके बाद जो निर्णय होगा जैसा कि उन्होंने बताया 2-3 दिनों के अंदर नंबर ऑफ सीट्स की घोषणा हो जाएगी और एक बार नंबर ऑफ सीट्स की घोषणा हो जाएगी तो कौन सीट किस पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे इसके बारे में आपस में बातचीत करके फैसला हो जाएगा। इन सब चीजों में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप बताइए, आपको बता चुके हैं अभी, उसके बाद फिर उसमें क्या। चलिए धन्यवाद मित्रों, जो चीज आपने बता दिया इसके बाद उसके कोई प्रश्न की आवश्यकता नहीं। चलिए आइए, हम आज प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, जो बात इन्होंने कही वो बात तो है ही, इसके अलावे हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी से बिहार की जो स्थिति है और 23 जिले के 206 प्रखंडों को हम लोगों ने पहले फेज में सूखाग्रस्त घोषित किया इसकी जानकारी दी है और पूरी बात बताई है कि वहां की स्थिति ठीक नहीं है और इलाकों को भी सूखाग्रस्त घोषित करना पड़ सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है जो वहां की स्थिति और विकास के और मुद्दों पर हम लोगों ने बातचीत। स्पेशल स्टेटस पे तो कोई आपने मांग नहीं की? अरे यार, चलो इसकी चर्चा।